If the radius of a cylinder is decreased by 20% and the height is increased by 20% to form a new cylinder, then the volume will be decreased by. देखो volume is equal to क्या होता है pi r square h, ठीक है. तो जब कभी भी ये फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में हो, जैसे एरिया के केस में हो, एरिया क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया की बात करो, बेस इंटू हाइट. रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, वो अगर आप लोगों तो विड्थ इंटू लेंथ. तो जब कभी भी ये सारे फैक्टर प्रोडक्ट वाले हों तो उसमें आप परसेंटेज इक्विवेलेंट का इजीली यूज कर सकते हो. जो कांस्टेंट है उसको तो आप रिमूव कर दो. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, आर इंटू एच. अब इन्होंने क्या किया है, रेडियस को डिक्रीज कर दिया 20% से. 20% से डिक्रीज का क्या मतलब है, रेशियो टर्म्स में 1/5 की कमी कर रहे हो आप. तो अगर ओरिजिनल 5 था तो उसमें से 1 कम है, तो ये रेडियस का फैक्टर आ जाएगा 4/5, दूसरा भी 4/5. हाइट को इसने क्या किया है, 20% से इंक्रीज. 20% से इंक्रीज का क्या मतलब है, रेशियो टर्म्स में 1/5 का इंक्रीज. अगर ओरिजिनल 5 था तो फाइनल उससे 1 ज्यादा होगा, यानी 6/5. तो आप क्या लिखोगे, 6/5, यही आपका वैल्यू आएगा. इट मीन अगर प्रोडक्ट टर्म में निकालोगे तो ये आएगा 96/125, और ये वॉल्यूम है. ओरिजिनल वॉल्यूम अगर 125 था तो फाइनल वॉल्यूम कितना रह गया है, 96. तो कितने की कमी आ रही है, 29 की कमी आ रही है. कितने पे, 125 पे. तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालोगे, 29/125 × 100, एज सिंपल एज दैट. 25 से 5, 25 से 4, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 × 5, तो 25 और 0.8, तो 4 मिल जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2, 32, 3, तो ये आ जाएगा 23. तो वॉल्यूम में डिक्रीज कितना का होगा, 23.2% का, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.